दिसंबर को पूरी दुनिया में हर साल क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन एक दूसरे को केक खिलाकर लोग खुशियां बांटते हैं। दरअसल यह ईश्वर के दूत जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस है। बाइबल के अनुसार जीसस ईश्वर की संतान है। शांति और प्रेम के मसीहा ईशा के जन्म की तारीख का वैसे तो कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं है, यहाँ तक कि बाइबल में भी उनके बर्थ डेट का जिक्र नहीं किया गया है। फिर भी 25 दिसंबर को जीसस का जन्म दिवस मनाकर क्रिसमस डे का उत्सव मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में जो कुछ उल्लेख मिलता है उसके अनुसार 7 से 2 ईस्वी पूर्व के बीच ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। लेकिन परंपरागत रूप से रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय इस तिथि को मान्यता मिली और उस समय से ही 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाने लगा। ईसा के जन्मदिन 25 दिसंबर होने की बात को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे सेक्सटस जूलियस अफ्रिकानुस। इन्होंने 221 बैच ईसा के जन्मदिन 25 दिसंबर होने की बात को लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति थे सेक्सटस जूलिया अफ्रिकानुस। इन्होंने 221वीं ईस्वी में ईसाई क्रोनोग्राफी में इस तिथि का जिक्र किया था। इससे पहले क्रिसमस मनाने की कोई निश्चित तिथि नहीं थी। क्रिसमस को ईसाई धर्म में बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईसाइयों के लिए ईसा मसीह का जन्म दिवस सबसे बड़ा त्योहार होता है। इनके जन्म को लेकर एक रोचक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार परमेश्वर ने अपने दूत जिब्राइल गैब्रियल को स्त्री मरियम के पास भेजा और मरियम को उसके गर्भ से यीशु के जन्म लेने की बात कही। गैब्रियल ने मरियम को बताया कि जन्म लेने वाले बच्चे का नाम जीसस होगा और वह ऐसा राजा बनेगा जिसके साम्राज्य की कोई सीमा नहीं होगी। ऐसी कहानी है कि जब जब देवदूतों का जन्म होता है तो गैब्रियल पहले आकर इसकी सूचना दे जाते हैं। जिस समय मरियम को यीशु के जन्म की सूचना मिली उस वक्त वह अविवाहित थी। कुछ दिनों के बाद मरियम की शादी जोसेफ नामक युवक से हुई। मरियम और जोसेफ एक साथ नाजरत में रहा करते थे। नाजरत आज के इजराइल का एक शहर था। तब नाजरत रोमन साम्राज्य में था। जब मरियम गर्भवती हुई उस समय नाजरत में जनगणना का काम चल रहा था। इस कारणवश यह शहर पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी धर्मशालाएं, सार्वजनिक आवास गृह पूरी तरह भरे हुए थे। जगह के अभाव में मरियम ने एक अस्तबल में आधी रात को यीशु को जन्म दिया। जन्मस्थल से कुछ दूर पर कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान स्वयं देवदूत का रूप धारण कर वहां आए और उन्होंने चरवाहों से कहा कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, ये स्वयं भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन करके चरवाहे उस बच्चे को देखने गए। देखते ही देखते बच्चे को देखने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों का मानना था कि यीशु ईश्वर का पुत्र है और यह कल्याण के लिए पृथ्वी पर आया है। दुनिया के अलग अलग जगहों पर क्रिसमस का त्योहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस खबर में हम आपको क्रिसमस के त्योहार से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। क्रिसमस पर एक खास तरह के पेड़ को सजाया जाता है। इस पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जाती है और तोहफे आदि लटकाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। फर के इस पेड़ को लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यीशु के माता पिता को शुभकामनाएं देने के लिए देवदूतों ने फर के पेड़ को सितारों से सजाया था। कहा जाता है कि जर्मनी से पेड़ सजाने की परंपरा शुरू हुई थी। क्रिसमस के मौके पर अक्सर आपने सांता क्लॉस को देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉस उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और उड़ने वाली स्लेज पर चलते हैं। दरअसल संत निकोलस को सांता क्लॉस माना जाता है क्योंकि वे रात के वक्त उपहार बांटते थे। क्रिसमस के मौके पर अक्सर आपने सांता क्लॉस को देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉस उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और उड़ने वाली स्लेज पर चलते हैं।
दरअसल संत निकोलस को सेंटा क्लॉज माना जाता है क्योंकि वे रात के वक्त उपहार बांटते थे। उन्होंने पूरे जीवन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। मोजे में गिफ्ट वाली बात भी आपने सुनी ही होगी। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि संत निकोलस ने एक शख्स की मदद के लिए जुराब में सोना छुपा दिया था। तभी से क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट छुपाने और सीक्रेट सांता क्लॉज बनने का रिवाज है। अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। यूरोप में करीब 12 दिनों तक क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इस त्योहार को मनाया जाता है और लोग यीशु के जन्म की खुशियां मनाते हैं। आप भी क्रिसमस का त्योहार प्रेम भाव से मनाएं।